ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड के कटलेट एकदम मस्त वाले न्यू स्टाइल में हमारे बन के रेडी हैं, और इनको हम टमाटो सॉस के साथ सर्व कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको चिली सॉस या मेन्यू सॉस या फिर मोमोज सॉस किसी के साथ भी आप सर्व हेलो कर सकते फ्रेंड्स, हैं। कैसे हो आप सब? आशा है बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आपके साथ बनाने जा रहे हैं, चाहे आप ये मॉर्निंग में बना सकते हैं या इवनिंग में बना सकते हैं, हल्की फुल्की भूख के लिए हम ये स्नैक्स बनाने जा रहे हैं। और ये आपने आज से पहले कभी नहीं ये वाला स्नैक्स खाया होगा, एक बार मेरी तरह बना के देखिएगा, खा के फिर आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए आइए हम इस प्रोसीजर में आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये ब्रेड के पीसेस ले लिए हैं, इसको हम क्या करेंगे, ये साइड से जो ब्राउन वाला पार्ट है ये हम हटा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरी तरफ हमने आलू बॉईल कर लिए हैं, और उसमें स्टफिंग भरने के लिए इसमें मैश के लिए हमने प्याज एक बारीक बारीक काट लिया है। ये 3 से 4 हरी मिर्च जो हमने एकदम बारीक काट ली है, ये थोड़ा सा हमने कड़ी पत्ता ले लिया, कड़ी पत्ते को भी ये देखिए हमने धो के बारीक काट लिया है, और ये 3 से 4 कली हमने लहसुन की ले ली है। और इसमें डालने के लिए हमने ये थोड़ा सा पिसा धनिया लिया, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये है हल्दी थोड़ी सी, ये लाल मिर्च है, लाल मिर्च ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और ये है राई, सरसों जिसको कहते हैं ना, ये देखिए सरसों के दाने हैं ये थोड़े से। इधर हमने तेल रख दिया है कढ़ाई में, तेल हमारा गर्म हो गया, इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले सरसों, ये हमारी चटक जाएगी, ये देखिए सरसों हमारी चटक रही है, इसी के साथ हम डाल देंगे कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ता और सरसों के साथ ही हम डाल देंगे लहसुन जो हमने बारीक बारीक काटा है। ये देखिए ये हमारा अच्छे से भून गया है, इसमें महक भी आने लग गई है। अब इसी में हम डाल देंगे बारीक जो हमने प्याज काटे हुए हैं, ये भी हम इसी में डाल देते हैं, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए प्याज भी हमारा भून गया है, इसी में हम ये सूखे मसाले जो हैं ये भी डाल के अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए प्याज वगैरह सब मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब इसी में हम आलू हमने 2 से 3 ले लिए बॉईल किए हुए, ये भी हम डाल देते हैं, अब इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए इस तरह हमारा मसाला बन के रेडी हो जाएगा। अब इसमें हम आधा नींबू निचोड़ देते हैं, ये देखिए आधा नींबू मैंने ले लिया है, अब इसी में हम निचोड़ देंगे अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, फिलिंग हमारी बनके रेडी हो गई, इसको हमने फैला दिया एक प्लेट में ताकि ये ठंडी हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, आलू की मैश के हमने ऐसे बाउल्स बना लिए, बहुत छोटे छोटे बाउल्स बनाने हैं, और ये साथ में हमने ब्रेड के सारे साइड वाले पार्ट्स अलग कर दिए हैं। अब ये साइड वाले पार्ट्स जो हमने अलग किए हैं, इसको आप ब्रेड क्रम भी बना सकते हैं, मिक्सर जार में पीस के ब्रेड क्रम बन जाएंगे, वो आपके किसी भी काम आ सकते हैं। ये देखिए प्याज के हमने छिलका उतार लिया, इसको हम बीच से 2 टुकड़े कर देते हैं, ये देखिए ये अलग हो गया। अब इसका एक एक लेयर हम अलग कर देंगे, छोटी बड़ी हो रही है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसकी लेयर हम सब अलग कर देते हैं। ये देखिए प्याज के हमने ऐसे अलग अलग पार्ट्स कर लिए, ये बहुत ही आसानी से अलग हो जाते हैं। अब हमने इसको बनाने के लिए बेसन ले लिया, बेसन में हमने ये 2 कड़छी बेसन लिया है, और इसमें हमने मिक्स करने के लिए नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च है, और ये खटाई है, इसको हम डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर तैयार करते हैं, इसका पतला ही बैटर तैयार करना है, गाढ़ा नहीं करना है, और इसको हिलाते रहेंगे ताकि ना इसमें गुलथियाँ ना पड़े, और थोड़ा थोड़ा करके हम पानी इसमें मिक्स करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड को हमने पानी में भिगो लिया, दोनों तरफ से हल्का हल्का भिगोना है, और इसको हम अच्छे से हाथों से पानी इसका सारा निकाल लेते हैं, और ये ब्रेड हमारी हो जाएगी एकदम, देखिए पतली है ना। अब इसके ऊपर हम रखते हैं प्याज, ये देखिए आलू की मैश डालेंगे ये प्याज के बीच में,
और ऊपर से ये दूसरा वाला प्याज का पार्ट जो है उससे हम ढक देंगे, और ये इसके ऊपर ऐसे रख के इसको राउंड शेप में बना लेते हैं, और ये आसानी से ही आपका बन जाएगा। ये देखिए, ऐसे धीरे धीरे चारों तरफ से दबाते जाएं, ये हमारा पूरा बाउल्स की आकार का बन जाएगा। ये देखिए बन गया ना, इसको और अच्छे से दबा के पूरी बॉल की शेप में आ गया। इसी तरह हम सारे बाउल्स बना लेते हैं। ये देखिए, हमने इसी तरह सारे बाउल्स इसके बना के रेडी कर लिए हैं। आइए अब इसको हम फ्राई करते हैं। और ये बैटर भी देखिए हमारा बनके एकदम रेडी हो गया। इससे ज़्यादा ना हमें पतला चाहिए और ना ही इससे ज़्यादा हमें गाढ़ा बैटर चाहिए। ये देखिए, तेल हमने गरम कर लिया और तेल हमारा गरम हो गया। अब इसमें हम ये डाल, ये देखिए एक एक बाउल लेके हम ये इसमें ये हम डाल देंगे ये कटोरी में बाउल्स, और इसको हम चम्मच, ये देखिए ऐसे चम्मच की सहायता से हम इसको गीला करके अच्छे से उसमें कढ़ाई में डाल देते हैं। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बढ़िया हमारे ये स्नैक्स सब बन के रेडी हो रहे हैं। अब इनको हम धीरे से पलट पलट के चारों तरफ से पका लेते हैं। हो रहे हैं ना कितने बढ़िया, देख के मन कर जाएगा खाने का। ये देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ से हमारे अच्छे से सीख गए हैं, है ना, समझ में आ रहे होंगे। और इसको अब हम निकाल लेते हैं अच्छे से छान के। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड के कटलेट एकदम मस्त वाले न्यू स्टाइल में हमारे बन के रेडी हैं, और इनको हम टमाटो सॉस के साथ सर्व कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको चिली सॉस या मेन्यू सॉस या फिर मोमोज सॉस किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी इस तरह बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये यूट्यूब में पहली बार हमने ऐसी रेसिपी बना के डाली है, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी ये कैसी लगी। बाय।